दो रंग दो खिलाड़ी 32 गोटियां 64 खाने हर नई चाल में मात देने की जद्दोजहद चेस और विश्वनाथन आनंद एक सड़क के दो किनारे की तरह हैं। एक किनारा बिछड़े तो दूसरा बेरंग हो जाए, सड़क ना रह जाए। इस खेल की शुरुआत का श्रेय भारत को ही मिलता है। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में गुप्त वंश का राज था। उसी दौरान चतुरंग नामक एक खेल अस्तित्व में आया। इसमें राजा, मंत्री, सिपाही, हाथी ऐसे मोहरे होती थी। यही खेल विकसित होकर चेस के तौर पर जाना गया। तमिलनाडु का एक शहर है मयिलाडुतुरई। यहीं 11 दिसंबर 1969 को आनंद का जन्म हुआ। इसी साल वो उम्र का 50 पूरा कर रहे हैं। आनंद की शुरुआती परवरिश चेन्नई में हुई। आनंद के पिता इंडियन रेलवे में थे तो उनको घूमने का खूब मौका मिला। विश्वनाथन आनंद को आनंद विश्वनाथन कहलाना ज्यादा पसंद है। ये उनके नाम का सही ऑर्डर भी है। प्यार से उनको लोग विशी कहकर बुलाते हैं। गेम में 60-70 चाल आगे की सोचने वाले आनंद की कहानी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत करते हैं उनके बेस्ट कोच यानी कि उनकी माँ से। माँ की सीख हम सब के जीवन की बुनियाद रखती है। विश्वनाथन आनंद के केस में भी ऐसा ही था। उनकी माँ चेस अच्छा खेलती थी लेकिन उन्हें कभी अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। तो ठाना, लड़के को चेस का बेस्ट प्लेयर बनाऊंगी। इस तरह आनंद को उम्र का पहला ककहरा चेस के रूप में मिला। 6 साल की उम्र में वो पहली बार शहमात दे रहे थे। फिर एक दिन आनंद को देश से बाहर जाना पड़ा। पिता विश्वनाथन कृष्णमूर्ति को फिलीपींस में काम करने का ऑफर मिला। 8 साल की उम्र में आनंद मनीला पहुंच गए। वहां उनकी चेस की क्लास लगी, कोचिंग वाली क्लास। कोचिंग तक उनकी माँ उनको रोज छोड़ने जाती और क्लास खत्म होने तक क्लब के बाहर इंतजार करती। यही उनके स्टार बनने की नींव थी। अब वो किस्सा जब टीवी वालों ने हाथ जोड़ लिया आनंद के। मनीला में टीवी पर चेस का एक प्रोग्राम आता था, घंटे भर का। चेस की बारीकियां बताई जाती थी और अंत में होता था एक कॉन्टेस्ट। आनंद बहुत बारीकी से वो प्रोग्राम देखते थे, कॉन्टेस्ट में अपनी एंट्री भेजते और जीत भी जाते थे। प्राइज में चेस की एक किताब मिलती थी। ऐसा 8-9 बार हुआ। फिर एक दिन उन्हें स्टूडियो से बुलावा आया। वो लोग आनंद को अपनी लाइब्रेरी में ले गए और बोले, यहाँ से जितनी किताबें ले जानी है ले जाओ, लेकिन प्लीज आज के बाद एंट्री मत भेजना। हमें पता है कि तुम्हारे अलावा कोई और ये शो नहीं देखता है। आनंद ने एक इंटरव्यू में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, गपशप चल रही थी। पास बैठे शख्स ने उनसे पूछा, बेटा तुम करते क्या हो? आनंद ने कहा, मैं चेस खेलता हूँ। उस व्यक्ति ने सवाल दोहराया, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम करते क्या हो? आनंद ने फिर जवाब दिया, मैं रेगुलर चेस खेलता हूँ। उस आदमी ने फिर कहा, बेटा एक सलाह देता हूँ, अगर तुम विश्वनाथन आनंद नहीं हो तो तुम्हें कोई ढंग का काम करना चाहिए। सिमी ग्रेवाल ने एक सवाल अपने इंटरव्यू में आनंद से पूछा था, अगर आप चेस प्लेयर नहीं होते तो क्या करते? आनंद ठिठके। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद वो बोले, मैं इस बारे में सोच भी नहीं पाता हूँ। इतिहास में जाएं तो चेस के खेल में सोवियत खिलाड़ियों का दबदबा होता था। बॉबी फिशर अमेरिका से आए, 60 के दशक में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। एशिया से ये कारनामा विश्वनाथन आनंद ने किया। 5 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब उनके खाते में दर्ज है। लगातार 21 महीनों तक वर्ल्ड चेस रैंकिंग में पहले स्थान पर वे रह चुके हैं। आनंद के खाते में कई फर्स्ट का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वो देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, देश में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, शुरुआत 1991 में हुई और पहला खिताब मिला विश्वनाथन आनंद को। 2007 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। ट्विटर पर उनके बायो में लिखा है, द किंग, सही लिखा है। वो इस बोर्ड गेम के बेताज बादशाह हैं। सच यही है कि चेस के बिना आनंद अधूरे होते और आनंद के बिना चेस अधूरा सा लगता है। यही इस खिलाड़ी की कमाई भी है। आनंद की एक किस्से वाली कहानी आपके लिए लिखी अभिषेक ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।